हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रईस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिनों में, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये फिल्म 100 करोड़ के पार हो जाएगी, 6 दिनों में आखिर वैसे ही हुआ। बहुत ही जाके एक पूरा 100 करोड़ पार करने के बाद ही फिल्म रुकी और 5 दिन के अर्निंग के बाद जो आंकड़ा था 93 करोड़ तक का था, और 8 करोड़ के बाद इस फिल्म का जो आंकड़ा हुआ है वो हुआ है 100 करोड़, यानी कि 100.24 करोड़, यानी कि 100 करोड़ पूरी तरह से इस फिल्म ने कमा लिए हैं पूरे 6 दिनों में। और इसके साथ ही ये शाहरुख खान की 7वीं फिल्म बन चुकी है जो 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने में कामयाब रही है। ये एक अलग तरह का रिकॉर्ड था और शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा खुश होंगे कि इस तरह का एक रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है। पिछले कुछ साल ज़्यादा सही नहीं थे, चाहे फैन मूवी की बात कर ले, और उसने सिर्फ 84 करोड़ तक का ही बिजनेस किया था लाइफ टाइम में फैन मूवी ने। और जहां तक बात करें हम रियल जिंदगी की, आई थिंक वो 70 करोड़ के ऊपर तक नहीं जा पाई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शाहरुख खान की फिल्म कुछ ज़्यादा नहीं चल रही थी, लेकिन इस फिल्म ने ये दिखा दिया है कि ये इससे कम नहीं है। मंडे का कलेक्शन 8 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम रहा है बाकी दिनों के कलेक्शन से, लेकिन इतना हम उम्मीद कर सकते हैं कि रईस मूवी 150 करोड़ के ऊपर तक जाएगी, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि शायद 200 करोड़ के ऊपर तक जाए, लेकिन अब वो चीज़ें मुश्किल लग रही, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लैश है। क्लैश नहीं हो तो शायद मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकता था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसान रहेगा फिल्मों के लिए सफ़र, चाहे वो रईस हो या काबिल। तो देखते किस तरह से रईस का कलेक्शन आने वाले दिनों में आता है। फिलहाल आप कितने खुश हैं रईस से, जो 100 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है और इस साल की पहली फिल्म बन गई है जो 100 करोड़ कमाने में कामयाब रही, आप इससे कितना खुश है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।